ना को अब कोई डिस्टर्ब मत करना है, तुम्हारा ड्यूटी है। पेंसिल पाइजे यहाँ पर जो है महान जयंती अमृतचार त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरुल काव्य में 90वें परिच्छेद में महिताम अवज्ञा त्यागा, श्रेष्ठों के ज्येष्ठों की अवज्ञा का त्याग करो। अवज्ञा श्रेष्ठ न हुई न है न होगी, अपने किसी का उचित नहीं, विनयवान ही विद्यावान होता है। जिसके पास विनय है उसकी विद्या सफल है, निष्फलम विद्या तस्य उसकी विद्या निष्फल है। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी विनयशीलता का अभाव है, हे यति आपकी संपूर्ण विद्या निष्फल है, ऐसा आगम वचन है। फिर आपके पास जो समृद्धशाली है, वैभवशाली है, त्याग युक्त है, चारित्र युक्त है, ज्ञान युक्त है, तप वृद्ध है, ऐसे अंतरंग संपत्ति युक्त व्यक्ति की अभिनय तो करना ही नहीं चाहिए। जो लोक में धन संपत्ति युक्त हैं उनकी भी अभिनय मत करो। धनिक की अभिनय करोगे तो आपको संसार में रोना पड़ सकता है। कब क्या आवश्यकता पड़ेगी, आप उसके द्वार पहुंचोगे, आप अभिनय कर चुके हो, अब आप किस मौके जाओगे। अथवा वो कुपित हो गया, वो धनपति है, राज्य विभूति संपन्न है, वो आपका कुछ भी कर सकता है। इसलिए आर्थिक पतन हो सकता है, चारित्रिक पतन हो सकता है, अपयस फैल जाए, फैला दे, और आपके प्राणों का वियोग भी हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को तभी तक सुरक्षित मानो जबकि जब तक किसी ने आपके प्रति शत्रु भाव नहीं किया। ये भूल जाइए कि हम दुर्गों में छिपे रहेंगे, महलों में छिपे रहेंगे। अमेरिका ने ऐसे आदमी को, कई भवनों में छिपे आदमी को भी वहाँ जा करके ऊपर आकाश में विमान से कूद करके उसको मार दिया। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। ओ बातें नहीं, बातें नहीं। तो यहाँ पर जो है बोला, आपको मालूम होना चाहिए जो भी बता रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन हमको नाम नहीं लेने का। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अमेरिका ने एक ऐसे व्यक्ति को जो कई वर्षों से छिपा हुआ था और गुप्त गुप्त स्थानों पर छिपा था, तब भी जिसको शत्रुता का व्यवहार मन में सोच ही लिया है, उसने वहाँ छुपे हुए आदमी को आकाश में विमान से उतर करके और नीचे के नीचे ख़त्म करके आ गया। आप कैसे अपने आप को सुरक्षित मानते हो? यदि आप अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु भाव ना हो, जगत में तुम्हारा मित्री भाव हो, तभी तक तुम सुरक्षित हो। दुनिया से शत्रुता का व्यवहार करना प्रारंभ कर दीजिए और सुरक्षित से सुरक्षित स्थान में जाकर बैठ जाओ, तब भी आप अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएंगे। कितने ही छुपे दुर्ग में प्रवेश कर जाओ, वो सामने वाला तो दुर्ग पर ही अटैक कर देगा, फिर क्या करो? और बंकर बना के नीचे रह रहे हो, बंकर भी तुम्हारे तभी तक सुरक्षित हैं जब तक किसी के दृष्टि नहीं पड़ी। बंकर को भी तो घेर सकते हैं, बंकर से मिसाइल नहीं गिरी ठीक मान सकते हैं, लेकिन बंकर के नीचे भी तो सुरंग खोद सकता है। तो जिस व्यक्ति को निर्णय कर चुका है कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है, तो वो आप बच नहीं सकते हो। इसलिए अच्छी बात यह है कि आप सुरक्षा बलों के अहंकार मत डूबो। यदि आपको सुरक्षा चाहिए तो मैत्री भाव का बल लाइए। सबसे बड़ा बल मैत्री भाव,
जो संधि से काम हो सकता है वो मिसाइलों से नहीं हो सकता। उभय पक्ष का विघात ही विघात है, उभय पक्ष का विघात ही विघात है। यदि आपको रक्षा चाहिए उभय पक्ष की, तो संधि ही श्रेष्ठ है। वार्ता से काम करना चाहिए, वार्ता से काम करना चाहिए अस्त्रों की जगह। और जो वार्ता में आनंद आ सकता है वो अस्त्रों में नहीं आ सकता। कोई भी प्रसंग आता है, न तुम छुप के बच सकते हो, ना आप अस्त्रों शस्त्रों से बच सकते हो। जो शांतिप्रिय वार्ता है वही संसार की सबसे श्रेष्ठ औषधि है, रक्षा कवच। आज शक्ति प्रादेवा क्रुद्धि महर्षिया नरशकुत्र रक्षस्थि त्रिशतापी श्रीत्वापी बलिनो जनान। अब यहाँ पर कह रहे हैं आत्मशक्ति प्रादेवा क्रुद्ध अर्षि महर्षिया। देखो ऋषि मुनियों से दूर रहना चाहिए अपन को। इन लोगों के पास जैसे अग्नि में रोटी रहती है ऐसे रहना चाहिए। जब तक सीखी नहीं है उलट पलट होती रहो और उसको उठा लीजिए। यदि आपने लंबे समय तक रोटी रखी रही तो रवि चेटी वो जल जाएगी। तो वहाँ आवश्यकता क्या है, घुमाते रहिए। ऐसे ऋषि मुनियों पास आते रहो जाते रहो, लंबे समय तक बैठो मत, उनसे ज़्यादा हिलो मिलो मत। बोले क्यों, कोई हमसे अभिनय हो जाए, कहीं कुपित हो गए, समझ रहे नहीं, तो अनर्थ हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई आपकी अपनी सीमा है, हमारी अपनी सीमा है। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चर्या कराते हैं, उपदेश सुनते हैं, बाकी आप अपने अनुसार जियो। आसक्ति प्रादेवा इतिहास साक्षी है, दीपान महाराज ने द्वारका को भस्म किया कि नहीं किया। दंडक बन राजा का दंडक राज्य नष्ट हो गया। इसलिए बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हैं जिससे अपन को दूर रहना चाहिए। आत्मवर्ति प्रादेवा, और यदि भस्म नहीं किए, आपको निगाहों से गिरा दिया, तब भी तुम्हारा विनाशी है। आत्मज्ञान शक्ति प्रादेवा क्रुद्ध यदि महर्षिया, असुनिए, जिस महर्षि के क्रोध से देव कल्ला आपने पढ़ा था, देव चित हो जाते हैं अपने पद से। जब देवों को चित कर सकते हैं तो नरस कुत्रा रक्षन्ति, तो सामान्य मनुष्य की कहाँ रक्षा है। श्रीत्वापि बलिनो जनान, तुम कितने श्रीमान हो, बलवान हो, धनवान हो, कितने श्रेष्ठ पद सुदृढ़ आश्रय के ऊपर तुम्हारा निर्भर क्यों करते हो। आप सोचो मैं तो बिल्कुल बलिष्ठ हूँ, लेकिन नहीं चलता। समर भूमि में कभी कोई ऊपर नीचे होता ही रहता है। कोई किसी को कमजोर ना समझे आज के युग में। जो कमजोर है ना उसके सहयोगी बहुत हैं। आपने ये सोच लिया है कि व्यक्ति बहुत कमजोर आदमी दिख रहा मुझे, इस पर चढ़ाई कर दो, लेकिन ये तो देखिए उसके आसपास की स्थिति क्या है, वो कमजोर है कि बलवान है। यदि उसके मित्रगण, और रूस ने तो सोचा था यूक्रेन कमजोर है, लेकिन 9 महीना हो गए तब भी युद्ध चल रहा है। सोचा क्या था, बोला उन्होंने 2-3 दिन में हम समाप्त कर लेंगे, लेकिन अब अहंकार है। वो अहंकार कैसा है बोला, मैं आपको बताऊं। जैसे कि भोले ने चौका लगा लिया, भोले की शक्ति थी 2 दिन का, अब जो चाहते थे वो काम उनका पूरा हो नहीं पाया। अब उनको आ गई आपत्ति, अब एक दिन और ऐसे बेचारे 15-20 दिन निकल गए। फिर मान कसा आ गया, अभी तो श्रद्धा से चौका लगाया था, मान कसा आ गई कोका के, और ही नहीं हो पाए तुम्हारे यहाँ, चलो भाई लगने दो। तो वहाँ पर वो जीव के अंदर, इसलिए आचार्य उन्होंने कहा है यथा शक्ति, जितनी सामर्थ्य उतना काम कर लो जिससे संकलिष्टता ना बढ़े, समझे ना। इसी प्रकार से युद्ध क्या है, अहंकार।
उन्होंने सोचा मैं समाप्त कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाए, तो अब खिंच रहा है। अंत में दोनों देशों का अहित तो हो ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही हो रहा हो। अब माना कि प्रश्न है, आपने हार्दिक को दबा लिया, ठीक है, आपने दबा के रखा उसको, बेचारे को पकड़ लिया, छोटा सा था, आप इतने मोटे आदमी हो, उसको दबा लिया, तो आप क्या सोच रहे हैं, मैं उसको दबाए हूँ, लेकिन उतने समय तक जब तक तुम उसको पकड़े हो, तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, खिसक ना जाए, निकल ना जाए, तो आप लगने तो तब तक कस के दबाए हो, मन में कसाई नहीं चल रही क्या, द्वेष नहीं है क्या, वो तुम्हारी भुजाओं में दबा है, तुम कसाई की भुजाओं में दबे हो। यदि दबे दबे भगवान का नाम ले रहा है तो वो तो अपना निर्जय स्थान को प्राप्त कर रहा है, आप अपनी कसा में दबे हो, वो कर्म तुम्हें भी दबाएगा। इसलिए किसी को कमजोर मत समझो, बोल दो एक सूत्र याद कर लो, कर्म कर्मिता बंदी जीवित प्रा स्वस्व प्रा भुआ से स्वार्थम को अनबंती, जीव जीव का स्वार्थ चाहता, कर्म कर्म का स्वार्थ, स्वार्थम को अनबंती, हित चाहते हैं। फिर एक सूत्र और याद कर लो, ये विराधकम कथम मंत्रे जनाह प्रकुपति तुंगलम पा पादव्यम समधन्य निपात्यते, विराधक को भी मत मारो, बोले क्यों, जब उसे कर्म स्वयं देख लेगा मैं क्यों परेशान हूँ, ये तो बहुत बड़ी नीति है, ये व्यवस्था नहीं बिगड़ी, बोले तुम जैसे लोगों को तो यही कानून जरूरी है, इसलिए छोड़ देना, हमने आपको समझाया कि महात्मा भोले जी जीवन अच्छा खुशहाल जियो, आनंद के साथ ऐसा जियो कोई कुछ ना कह पाए, ठीक है, एक बार समझा दिया, अब भोले सुनी नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा, अपने सिर फोड़ दूँ क्या, कोई बात नहीं है, आज हमसे नहीं सुधर रहे तुम, तो अच्छे से बिगड़ जाओ, जब तुम जैसा राजा और ऊंचा मिलेगा ना तो अपने आप ठीक कर देगा, नहीं बिगड़ी ना, निगरानी रखे तुम्हारे ऊपर, माने कि वहाँ तुम्हारा प्रचंडता दिखाई दे रही है तो वहाँ आपके लिए यही किया जाएगा, समझ रहे ना, ये बहुत बड़ा कानून व्यवस्था है, आपको मालूम नहीं है कितने सिद्धांत ऐसे कानून हैं जहाँ पर इंतजारी की जाती है, कोई भी केस कोर्ट में पहुँच जाए तुरंत निर्णय क्यों नहीं होता, जात के साथ ये भी होता है कि यदि आपस में झगड़े हैं लोग, आपस में ही हो सकता है लंबा समय दे देंगे और पुनः समझौते के भाव आ गए तो क्यों परेशान करें, समझिए ना, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म सिद्धांत प्रचंड है, न्याय सिद्धांत भी प्रचंड है, ऐसे छोड़ दिया क्यों धुआं उड़ाएं जला करके कचड़े को, क्यों धुआं उड़ाएं जला करके कचड़े को, एक किनारे रख दो, अपने आप गल जाएगा, तब देख लेंगे, समझ रहे ना, आवश्यकता पर सिद्धांतों को लागू किया जाता है। अरे पितर नृपे सिद्धे नए योग अन्य सर्वथा, नए योग से समझना चाहिए, समझ रहे कि ये ऐसे समाप्त हो जाएगा, उसके धुआं क्यों लगाएं, और जीव जलेंगे मरेंगे, समझ रहे ना, इसलिए कानून जिसका होता है आपको बोध होना चाहिए, नए ज्ञातुर अभिप्रायो, आपको लगता है कानून फेल है क्योंकि तुम कानून पर नहीं बैठे, इस समय हो सकता है जो कानून अपना चला रहा है उसकी यही कानूनी व्यवस्था हो। एक देश ने भारत के कुछ जवानों को मार दिया तो भारत एकदम ठंडा रहा, क्यों ठंडा, तो बहुत सारे लोग बोलते रहे, चिल्लाते रहे, बोले क्या है ये कानून, ये देश की व्यवस्था है, उसने एक जब ठंडा हो गया माहौल, फिर एकदम ऐसा अटैक किया, समझ रहे ना, तो ये भी तो एक नीति है, सिंह नीति है, ये कौन सी नीति है, सिंह नीति है, सिंह शांत रहता है, कोई भी जानवर होता है वो शिकार करने जाता है तो बिल्कुल छुपा बैठा रहता शांत,
और पीछे मुड़ जा, पीछे जाता, पीछे जाता, पीछे जाता, तो आपने सोचा कि पीछे चला चला गया, ये भूल मत कर लेना, कोई भी जानवर तुम्हें देख के पीछे हो ना, अब तुम वहाँ से दौड़ जाओ, नहीं तो बचने वाले नहीं हो। यदि आगे आ रहा तो घबराना मत, और तुम्हें देख के पीछे होता चला जा रहा अब दौड़ के आपको अटैक करेगा। क्या उस दिन आपने दो सांडों को नहीं देखा जंगल में कितने जोर से लड़ रहे थे, और फिर बहुत दूर तक पीछे जाए, पीछे जाओ, फिर दौड़ के आए। क्या मेड़े की लड़ाई नहीं देखी आपने? इसलिए कोई भी कर्म, मृत्यु भी होने होती ना तो जीव स्वस्थ हो जाता है। तो आदमी सोचता है कि ये ठीक हो गया, चलो काम में लग जाए, मालूम चला कि जब तक तुम बाहर गए वो टपक गए, पीछे होके जा रहा था। इसी प्रकार से कसाई के वेग, इंद्रियों के विकार, ये पीछे जाते हैं और फिर एकदम आप पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए संभल के जीना चाहिए, अपने आप को साधु बना के रखो और अपने साधु को भी विचलित मत करो। अपने आप को साधु बना के रखो और अपने साधु को भी छेड़ो मत, वो भी तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। बाहर के साधुओं से, ऋषियों से दूर रहो और स्वयं के जो विशुद्धि के परिणाम है उनको संभाल के रखो, अन्यथा वे भी विचलित हो गए तो तुमको नीचे टपका देंगे। आगे जो है आज समझना, जीवन में विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो श्रेष्ठों को, श्रेष्ठों के प्रति विनय रखो, स्पर्धा नहीं। श्रेष्ठों के प्रति विनय रखो, स्पर्धा नहीं। स्पर्धा से विकास नहीं होगा, विनय से विकास होगा। भाई औरंगाबाद की कमेटी आई,